हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको फिजिकल से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपने इससे पहले भी कुछ वीडियोस यहाँ पे देख ली होंगी। तो यहाँ पे मेरे साथ हैं पवन सर, जो कि यहाँ पे सर्टिफाइड आपका फिटनेस ट्रेनर है और हल्द्वानी में इनका जिम है जिसके जो कि प्रतिबिंब नाम से है और ये उसके ओनर हैं और एट प्रेजेंट प्रतिबिंब जिम में 200 प्लस रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, राइट। और हमारे साथ हैं अर्जुन सिंह और यहाँ ये आपका प्रतिबिंब जिम में ट्रेनर हैं। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है सर से कि जैसे कि आप लोगों के यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, तो उसी में हमने एक क्वेश्चन आप यहाँ पे उठाया है कि लॉन्ग जंप की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। तो सर, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है और इसमें आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू अरुण जी। वेलकम सर। लॉन्ग जंप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जिस समय आप अपने स्टेप्स ले रहे हो जंप के लिए, वो स्टेप्स आपने लॉन्ग नहीं लेने, आपने छोटे स्टेप्स रखने। अगर आप दौड़ते समय अपने जो रनिंग जो ट्रैक है, रनिंग पाथ पे, जिस समय आप जंप से पहले आप जो कुछ लोग 20 फीट से दौड़ते हुए आते हैं, कुछ लोग 30 फीट से दौड़ते हुए आते हैं, पहले तो मैं कहना चाहूँगा ना ही हमने बहुत ज़्यादा दूर से दौड़ते हुए आना है, ना ही हमने बहुत नज़दीक से आपने जंप करनी है। दोनों में आपको नज़दीक से आपको मोमेंटम नहीं मिल पाएगा, दूर से आप पहले ही थक जाओगे। तो 20 से 30 फिट सफिशियंट है एक बहुत अच्छी लॉन्ग जंप के लिए। तो आपने उन 20 से 30 के जो स्टेप्स लेने हैं उसमें आपने छोटे स्टेप्स लेने हैं, ना कि आपने बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेते हुए आए। अगर आप बड़े बड़े स्टेप्स लेते हुए आए और आपने सोचा कि उसके बाद आप बहुत बड़ी जंप कर लेंगे, तो ये तो नामुमकिन है। मैं इवन कि मुझे ऐसा लगता है फिर आप 13-14 फीट भी जंप नहीं मार पाएंगे। लेकिन अगर आपने सबसे पहले एक जगह पर मार कर लेना, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले आप जहाँ पर आपके जहाँ से आपने जंप करनी है उस मार्क से आपने 20 फीट या 25 फीट आपने पीछे अपने पैरों से, नॉर्मल पैरों से जो आपके स्टेप्स हैं वो आपने ले लिए। उसके बाद आपने क्या करा कि दो मार्क करने हैं आपने। एक तो वो मार्क करना है जहाँ से आपने स्टार्ट लिया। जहाँ से आप स्टार्ट लेंगे तो शुरू में आप एक नॉर्मल पेस के संग आप दौड़ते हुए आएंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए। और एक मार्क आपका आफ्टर 10-12 फीट ऐसा आएगा जहाँ से आपने मोमेंटम पकड़ना है और उस मोमेंटम में ही आपने जंप करनी है। और जिस समय आपका वो दूसरा मार्क आ जाएगा वहीं पर आपने नज़र मार लेनी है कि आपका जो सामने वाला मार्क है आपने वहाँ से आपने जंप स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं कि जंप मारते समय आप नीचे देखने लग गए कि यार कहीं मेरा फॉल ना हो जाए करके, तो उससे क्या होगा, जंप ऑटोमेटिकली आपकी छोटी हो जाएगी। आपने सामने देख के जंप मारनी है। और जिस तरीके से वीडियो में अर्जुन सर परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए आप, इन्होंने क्या करा, छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं और जैसे ही इनने दूसरे मार्क के नज़दीक आए तो इन्होंने एक मोमेंटम के साथ, एक स्पीड के संग दौड़ना शुरू किया और सामने देखते हुए उसी मोमेंटम से इन्होंने जंप लगा दी। अब जंप आप जितने थोड़ा ऊंचाई को लगाएं तो उससे आप उतना ही आगे जा पाएंगे। आप जितने आप जमीन के नज़दीक से जंप लगा लेंगे तो उतना आप जल्दी गिर जाएंगे। थोड़ा आप ऊंची जंप लगाने की कोशिश करिए। आप जिस समय लॉन्ग डिस्टेंस, आपने एकदम मोमेंटम में आना है, सामने देखना है मार्क को, आपने दूसरे ही नोटिस कर लेना है कि हाँ यहाँ पे मार्क है और यहाँ से मैंने जंप स्टार्ट कर देनी है। छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए सेकंड मार्क के बाद हमने एकदम पेस स्पीड पकड़नी है और जिस तरीके से वीडियो में अर्जुन सर कर रहे हैं, और एकदम आपने क्या करना है, ऊंचाई की तरफ जाते हुए आपने आगे को जितना हो सके उतना हाथ फैलाते हुए आप वहाँ पर प्लेसमेंट ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी जंप मिनिमम जैसा कि मुझे लगता है कि 18 फीट से 20 फीट इजीली आ जाएगी और आपका जो लक्ष्य है फिजिकल का आप उसे इजीली अचीव कर लेंगे और आप अपने टोटल मार्क्स भी अचीव कर लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने हमें, हमारे जो ऑडियंस है उनको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया और किस तरह से वो तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में आपने पूरी जानकारी यहाँ पे दी। तो गाइज़, अगर आप इस तरह की और भी जानकारी चाहते हैं तो आपको, मैं आपको यहाँ पे सर के जिम का एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिंक में आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सर का नंबर भी मिल जाएगा। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं किस तरह से तैयारी करनी चाहिए तो ये सारी जानकारी आप सर से ले सकते हैं, आपको नंबर यहाँ पे विजिबल है। और साथ ही साथ अगर आप गाइज रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है विदाशी लर्निंग ऐप। ये आप इस ऐप पे आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसी ऐप के थ्रू इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। तो गाइज, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।